हाँ स्कूल से आए हो? हम लोगों का मम्मी पापा जानते हैं, जो करना है कर लो, पुलिस के पास भेजना, पुलिस के पास मम्मी भी जाएंगे। दीदी वाह दीदी, देख सकते हैं सामने कोपचा पर है और उधर भी कुछ लोग कोपचे में हैं, जहाँ जहाँ पर बैठे हैं देखिए कोपचे में कुछ लोग दिख रहे हैं। हेलो गाइस, मेरा भी एक नई वीडियो में स्वागत है दोस्तों। हम अभी हैं मोहनिया के बस स्टैंड में और यहाँ से गाड़ी पकड़ के जाएंगे अभी भगवा भगवा को पूरा सैर कराएंगे। वैसे तो मुझे भूपेश कॉलेज में जाना था, वहाँ पर मेरा कॉलेज सेंटर पड़ा है एग्जाम वाला, तो वहाँ घूमते हुए सारे भगवा के मेन मेन चीज चेकअप कराएंगे और वीडियो में बने रहें। तो हम मोहनिया से भगवा आ गए हैं अपने मंजिल पर, यानी भूपेश कॉलेज की तरफ। आप ये पीछे देख सकते हैं, ये मंदिर जाते हैं, देखते हैं कॉलेज कैसा है। ये है भूपेश कॉलेज, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज पटेल चौक। ये हवाई अड्डा भगवा की हवाई अड्डा है जो काफ़ी दूर से फैला हुआ है, यहाँ पर बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। यहाँ पर मेरा सेंटर पड़ा है BSc सेकेंड ईयर की, यहाँ पर हम 10 के परीक्षा दिए थे। यह काफ़ी बड़ा कॉलेज है, गाड़ियाँ लगी हुई है। यह पटेल चौक है, बीच में महात्मा गांधी का मूर्ति लगा हुआ है। सब कॉलेज भगवा का सरकारी कॉलेज है, वो फेमस है और जो हमने दिखाई वो तो हमसे रिलेटेड है। और यहाँ पर बहुत और कॉलेज हैं, जो एक पार्क में जाएंगे जो काफ़ी कोपचे वाली जगह है, और वो कुछ खेलने के लिए है जो खाली सब पड़ा है, और वहाँ पर जाएंगे खूब मस्ती करेंगे और दिखाएंगे वहाँ की बेहतरीन चीज। इससे पहले हम यहाँ पे कुछ खा पी लेते हैं। घूमते अभी भगवा में आए थे तो रोड दिखा, तो सोचे घूम लेते दिखाते हैं भगवा को कैसा होता है कि अंदर बाहर किसी ने और अंदर से कुछ इस प्रकार रखे जिसमें उधर सब इस साइड लगता है कोर्ट बंद है। देख सकते हैं कुछ एकाधिक वकील लोग वहाँ पे आके और अपना काम कर रहे हैं, और बाकी बहुत ज़्यादा कुछ बंद पड़ा है। आपके पीछे देख सकते हैं जो काफ़ी खाली और पब्लिक यहाँ पर बहुत कम है, और इधर एकाधिक है, ये सब कोर्ट अभी बंद पड़ा है। ये सामने पीछे कोर्ट है और इसके जस्ट आगे पुलिस थाना है, ये देख सकते हैं मेरे सामने पुलिस का गेट है, और जस्ट कोर्ट के सामने ही पुलिस स्टेशन है और बीच में हाईवे है। जो दोस्तों मेरे पीछे जगजीवन स्टेडियम नाम का कुछ दिख रहा है, और यहाँ जाते हैं। यहाँ पर एक पार्क है और एक छोटा पार्क है, ये एक बड़ा पार्क है जो खेलने के लिए है। यहाँ पर आपको दिखाते हैं जगजीवन पार्क कैसा है भगवा में, तो चलिए चलते हैं इसके अंदर जाते हैं। तो जो स्तूप बना है उसके अंदर जाना है, वो स्तूप है उस रोड से सीधा अंदर आते हैं। अंदर आते ही आते आते जो पार्क दिखेगा, एक दाएँ तरफ एक बाएँ तरफ, जो एक छोटा एक बड़ा एक कोचे टाइप की है, तो आपको अंदर दिखाते हैं दोनों कैसा है। तो चलिए वीडियो में बन रहे हैं, पार्क का गेट बड़ा वाला पार्क का, इसके अंदर जाते हैं। ये देखिए कुछ अजीब सही है, ये देख सकते हैं ये जगजीवन पार्क। यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत सीढ़ियाँ बनाई गई है और वहाँ पर कुछ ठहरने के लिए बनाया गया है। आप देख सकते हैं इतना बड़ा पार्क है, इसी का नाम जगजीवन पार्क है। और इधर देख सकते हैं पेड़ पौधे अच्छी तरह से लगाए गए हैं, जो काफ़ी हरियाली भरी है। और इधर देख सकते हैं अभी तक कुछ खाली सा है, दोपहर का टाइम है, धूप भी ज़्यादा लग रहा है, और शाम को बच्चे सब आएंगे, यहाँ पर अभी खाली है। तो चलिए चलते हैं, आपको अब छोटा पार्क दिखाते हैं कोपचे वाली। तो हालाँकि इस पार्क चार्ज नहीं लगा, पर छोटे वाला में चार्ज लगता है, देखते हैं चार्ज लगेगा कितना लगेगा कैसे लगेगा।
अंदर ही कुछ जिम वगैरह है, देखिए ट्राइसेप वगैरह है, कुछ जिम मारने के लिए अंदर है, तो आगे रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा कुछ रखा हुआ है जिम मारने के लिए। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ और यहाँ पर सीढ़ी ऊपर जाकर बैठने उठने के लिए। और इधर इधर देख सकते हैं कुछ पानी वानी सारा व्यवस्था है। और उधर पीछे बहुत बड़ा स्टेडियम है, तो यही है जगजीवन, ये है जगजीवन मैदान के जस्ट पीछे देख सकते हैं इस तरफ पार्क है जो काफ़ी खूबसूरत है। और इसके अंदर जाने की चार्ज लगती है। और ऐसे सिटी पार्क की चार 10 रुपये लगा। और पार्क कुछ इस प्रकार है कि देख सकते हैं पूरा पार्क खाली पड़ा है। और इधर नीचे सामान कुछ पड़ा हुआ है जो काम लगा हुआ है। और इधर बहुत पार्क खाली पड़ा है, दोपहर के टाइम में धूप लग रहा है, बहुत लोग कम पड़े आए हुए हैं यहाँ पे। और जो दो चार हैं तो आ रहे हैं जा रहे हैं, वहाँ पर झूला झूल रहे हैं दो लड़के, यही है बस, आपको और दिखाते रहेंगे। और यहाँ पर चलिए झूला झूलते हैं, दिखाते हैं कैसा है। ये सारा अभी बच्चे नहीं है, खाली पड़ा पड़ा है, सब टूट गया है, इधर भी ये टूट गया है। और ये बंद पड़ा है, देखिए ताला मार दिया सब। और इधर भी ये सब बंद खाली पड़ा है। मछली का हो रहा है पेंटिंग, मछली आना पौधा लगी क्रम में। यहाँ पर आए लगभग 2 घंटा हो गए, मज़ा नहीं आ रहा, कोई दिख नहीं रहा उतना। ये देख सकते हैं पूरा पीछे पूरा जंगल खाली पड़ा है। और यहाँ पर काम चल रहा है, इधर देख सकते हैं इधर टूटा फूटा सारा सब पड़ा हुआ है, बाकी सब कुछ खास नहीं है। इधर काफ़ी साफ़ सफाई की व्यवस्था रखी गई है। ये बाथरूम है, मेरे पीछे बाथरूम है, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये बाथरूम कुछ ऐसे गंदा पड़ा है, बेकार। बैठने के लिए कुछ जगह है जो खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे वो देख सकते हैं वहाँ पर काम लगा हुआ है, कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग कब्जे में उधर देख सकते हैं, कुछ लोग कब्जे में बैठे हुए हैं। ये देखिए कुर्सी सब लगाया हुआ है, टूटा फूटा कुर्सी पड़ गया है, टूट टूट गया है। ये आगे वाला सब फ्रंट है, इधर देख सकते हैं कब्जे में है, कब्जे में उधर लोग सब। कुछ खास नहीं है यहाँ, देखिए अभी भी पटावन करा हुआ है, ये काम यहाँ पे लगा हुआ है, काम चल रहा है, कुछ खास नहीं है इस पर। कुछ एक आध लोग हैं जो कब्जे में बैठे हुए हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब काम कर रहे हैं, कुछ खास नहीं है।